तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हाजिर हो चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और द केरला स्टोरी मूवी की एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों ही मूवीज़ कल 5 मई को थिएटर्स में रिलीज़ की जाएंगी। तो बात करेंगे अभी तक इन दोनों मूवीज़ ने कितनी एडवांस बुकिंग कर ली है। थोड़ी वीडियो लेट ज़रूर आ रही है, लेकिन इनकी जो एडवांस बुकिंग है वो अपडेट होने की मैं वेट कर रहा था, और अभी 2 घंटे पहले ही इन दोनों मूवीज़ की जो है एडवांस बुकिंग अपडेट हो चुकी है। तो इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तो गाइज़ वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज़ पहले बात करते हैं द केरला स्टोरी मूवी की। तो गाइज़ ये एक हिंदी मूवी होने वाली है, और इस मूवी के लीड रोल में आपको आदा शर्मा, योगिता बहानी, सिद्धि लदनानी और सोनिया बलानी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें मूवी के बजट की, तो इस मूवी को बनाया गया है 30 करोड़ के अच्छे बजट में। बात करें मूवी ने अभी तक कितनी एडवांस बुकिंग कर ली है, तो इस मूवी को कल 5 मई को थिएटर्स में रिलीज़ किया जाएगा हिंदी लैंग्वेज में। और इस मूवी ने जो अभी तक टिकट्स सोल्ड आउट कर लिए हैं वो हो चुके हैं 45,000। जी हाँ गाइज़, 45,000 इस मूवी ने टिकट्स सोल्ड आउट कर लिए हैं। जो इस मूवी की कलेक्शन हो चुका है एडवांस बुकिंग से वो हो चुका है 1,03,00,000 रुपये, जो कि देखा जाए इस मूवी ने बहुत ही अच्छी एडवांस बुकिंग कर ली है। और कहीं ना कहीं ये कल के दिन पर बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, क्योंकि अभी इस मूवी के पास अभी भी आज की रात सारी पड़ी हुई है। ये आप लोगों को आज शाम तक की एडवांस बुकिंग जो है वो अपडेट हुई है, और आज रात भी ये मूवी एडवांस बुकिंग करेगी, और कल इस मूवी का फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन निकल कर आने वाला है। अगर आप लोगों को इस मूवी के कलेक्शंस के बारे में भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कल मैं इसके ऑफिशियल कलेक्शंस की वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो 1,03,00,000 रुपये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है इस मूवी के लिए। ये मूवी आज की भी मिलाकर रात तक सारी बुकिंग कर लेती है, और कम से कम 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेती है, तो कम से कम ये पहले दिन पर 6 से 7 करोड़ की इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा कलेक्शन होने वाला है। इस मूवी का बजट 30 करोड़ है। बाकी आप लोग इस मूवी को देखने जाने वाले हो या नहीं, और आपने इस मूवी की एडवांस बुकिंग कर ली है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी बात करते हैं सबसे बड़ा रिलीज़ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। तो गाइज इसको कल पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा, और इंडिया में भी कल इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा 5 मई को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश, तेलुगू और तमिल लैंग्वेज में भी। ये मार्वल यूनिवर्स की मूवी है। इस मूवी को बनाया गया है $250 मिलियन में। बात करें मूवी की एडवांस बुकिंग की, तो इस मूवी की भी एडवांस बुकिंग आज ही ओपन हुई, और इस मूवी ने जो अभी तक टिकट्स सोल्ड आउट कर लिए हैं वो बहुत ही बड़ा नंबर है। आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस मूवी ने स्टार्ट होते सारे ही जैसे ही आज एडवांस बुकिंग ओपन हुई वैसे ही टिकट्स सारी बिक चुकी हैं। सो 1,00,000 से भी ज़्यादा की इस मूवी ने एडवांस बुकिंग टिकट्स सोल्ड आउट कर लिए हैं, और एडवांस बुकिंग कर ली है 3,10,00,000 रुपये की, और ये रुकने वाली नहीं है। ये आज भी सारी रात कलेक्शन का एडवांस बुकिंग करेगी, और कल ये बहुत बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। आप लोगों को पता है मार्वल की मूवीज़ का क्रेज़ पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में ही बहुत बड़ा क्रेज़ है। इसलिए इंडिया से बहुत ही बड़ी पहले दिन पर ओपनिंग लेने वाली है। अब देखने वाली बात ये को क्या कि कितनी बड़ी ये ओपनिंग लेती है, और क्या ये बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ सकती है या नहीं, जो मार्वल की पहले आ चुकी हैं। आप लोगों को क्या लगता है पहले दिन पर कितनी ओपनिंग ले सकती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आप इस मूवी को देखने जाने वाले हो या नहीं वो भी ज़रूर बताना। आपने एडवांस बुकिंग इसकी नहीं की तो कर लो, नहीं तो सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये मार्वल की मूवी को सोल्ड आउट होते होते टाइम नहीं लगता, इसलिए इसकी एडवांस बुकिंग जल्दी से कर लो। और अगर इस मूवी की अगर आप लोगों को कलेक्शन के बारे में जानना है इन दोनों मूवीज़ के, तो कल मैं आप लोगों को ऑफिशियल वीडियो डालकर पहले दिन के कलेक्शन बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि मैं जब नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।